नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी गाथा और महत्व है। भारत के लगभग हर जिले में कोई ना कोई ऐसा प्राचीन मंदिर मशहूर है जो अपने रहस्यों या चमत्कारों की वजह से जग प्रख्यात है। इनमें से ही एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बहुत मान्यता है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग पहुँचते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लोगों के बीच खूब प्रचलित है। दो पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में बहुत विचित्र चीजें देखने को मिलती है। मान्यता है कि यहाँ भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए बालाजी महाराज के चरणों में लोग पहुँचते हैं। बता दें कि यहाँ मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की प्रतिमा है। मान्यता है कि जिन लोगों पर ऊपरी साया होता है उनकी पेशी यानी उनके ऊपरी साये को दूर करने के लिए कीर्तन किया जाता है। यहाँ रोज 2 बजे इस तरह के लोगों की पेशी होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ लोगों के बीच ये मान्यता भी प्रचलित है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर नहीं लाया जाता। तो आइए आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रसाद को ना तो खाना चाहिए और ना ही प्रसाद को घर लाना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ का प्रसाद किसी को देना भी नहीं चाहिए। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहाँ से किसी भी चीज़ को घर ले जाने पर आपके ऊपर बुरे साए का असर आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लेकर एक बात यह सुनने में आती है कि बालाजी की छाती के बीच में एक छेद है जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है और मान्यता है कि इसे बालाजी का पसीना कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान हनुमान बाल रूप में मौजूद है। वहीं मंदिर के समीप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति है। हनुमान जी हमेशा इनके दर्शन करते रहते हैं। नकारात्मक बुराइयों और भूत प्रेत की बाधाओं से बचने के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार में हर रोज 2 बजे कीर्तन होता है। इस मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति मौजूद है या नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। ये अनोखी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।